एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें हम कर रहे थे निगेटिव सेंटेंसेस का, मतलब कि नकारात्मक वाक्यों का हम अनुवाद कर रहे थे हिंदी से इंग्लिश में। तो जिसमें हमने दो वीडियो में 10-10 सेंटेंसेस, एक में 10 एक में 9, मतलब कि 19 सेंटेंस हमारे पूरे हो गए थे। अब हमें नेक्स्ट उसके आगे चलना है। हमारा 20वां सेंटेंस है, उसके बाद हमारा 20वां सेंटेंस होगा, और इसी तरह से हम सेंटेंसेस और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज हम लेने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस होने वाले हैं, जो सब मतलब मिश्रित सेंटेंस हैं, टेंस से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं, तो सारे निगेटिव सेंटेंस होंगे। इसके पहले भी आपने देखा ही दो वीडियो, अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 20वां हमारा सेंटेंस है, मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका। मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका। तो ये हमारे जितने सारे सेंटेंस हैं, सारे निगेटिव सेंटेंस होने वाले हैं, क्योंकि अभी निगेटिव सेंटेंस का ही चल रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे है, मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, तो हो जाएगा आई कुड नॉट। मैं का होता है आई, तो हम लिखेंगे आई कुड नॉट, या कुडेंट लिख सकते हैं। आई कुड नॉट पहुंच सका, तो पहुंचने का होता है रीच, REACH। आई कुड नॉट रीच, समय से दिया गया है, तो समय पर, तो हो जाएगा इन टाइम। आई कुड नॉट रीच इन टाइम। उसके बाद दिया है परसों, परसों का होता है, जैसे जो आने वाला कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यस्टरडे। तो ये हो जाएगा बिफोर यस्टरडे। बिफोर यस्टरडे, आई कुड नॉट रीच इन टाइम बिफोर यस्टरडे। तो मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, इसका हो जाएगा आई कुड नॉट रीच इन टाइम बिफोर यस्टरडे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, 21 नंबर सेंटेंस है हमारा, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका हो जाएगा यू नीड नॉट। यू आपको ज़रूरत नहीं है, नीड मतलब होता है आवश्यकता, तो यू नीड नॉट, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है 22 नंबर सेंटेंस, यदि आपने उसे कहा ना होता तो वह ना जानती, तो वह यह ना जानती। यदि आपने उसे कहा ना होता, यदि आपने उसे कहा ना होता तो वह यह ना जानती। तो इसमें देखिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो इसमें दो सेंटेंस हैं छोटे छोटे, तो इसका कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा, यदि आपने उसे कहा ना होता, तो इसका हो जाएगा इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड हर। यदि आपने उसे बताया ना होता या उसे कहा ना होता,
इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड हर, तो वह यह ना जानती, तो इसका हो जाएगा सी कुड नॉट हैव नो, सी सी कुड नॉट हैव नो, सी कुड नॉट हैव नो, तो यह वह न जानती, यदि आपने उसे बताया ना होता तो वह नहीं जानती। उसके बाद हमारा है 23 नंबर सेंटेंस है, जब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए या फिर हम इस तरह से बनाएं, अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए, अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए, अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा नाउ वी शुड नॉट, नाउ वी शुड नॉट क्लोज आवर शॉप, क्लोज आवर शॉप, नाउ वी शुड नॉट क्लोज आवर शॉप, हमें अपनी दुकान अब बंद नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है देखिए मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, तो इसका हो जाएगा मीनाक्षी मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड, शुड नॉट गो टू बेड लेट, कब देर से, मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट, मीनाक्षी को बिस्तर पर देर से नहीं जाना चाहिए, मतलब देर से नहीं सोना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 25 नंबर, अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, अमिताभ को, जैसे हम कहीं जाते हैं या किसी से किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि आपको इतने बजे तक ज़रूर प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पर है अमिताभ को 12 बजे तक ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे तो निगेटिव सेंटेंस नहीं बना तो हम इसको निगेटिव बनाते हैं, ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए क्या, इसमें अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये निगेटिव बन जाएगा, नहीं करनी चाहिए क्या, तो ये हमारा सेंटेंस निगेटिव बन गया, प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर हम उसी में जोड़ देते हैं नहीं करनी चाहिए क्या, जैसे कोई पूछता है ना उसको इतनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्या, नहीं करनी चाहिए क्या, तो इसका हो जाएगा अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, अमिताभ मस्ट वेट टिल कितने बजे तक, 12 o'clock, 12 o'clock मस्ट नॉट ही, इसका हो जाएगा क्या नहीं करनी चाहिए, मस्ट नॉट ही,
क्या उसे नहीं करनी चाहिए? मस्ट नॉट ही, क्या उसको नहीं करनी चाहिए? उसके बाद है हमारा 26 नंबर सेंटेंस है, उसने अंग्रेजी नहीं लिखी है, उसने अंग्रेजी नहीं लिखी है, उसने अंग्रेजी नहीं लिखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी हैज़ नॉट, सी हैज़ नॉट राइट, सी हैज़ नॉट राइट, यहाँ पर हैज़ नॉट है तो रोट हो जाएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म होता है हैज़ के साथ, डब्ल्यू आर ओ टी ई। सी हैज़ नॉट रोट, क्या नहीं लिखी है? अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश, सी हैज़ नॉट रोट इंग्लिश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 27 नंबर सेंटेंस है हमारा, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, तो इसका हो जाएगा ग्रेट मैन, डज नॉट वेस्ट देयर टाइम, डज नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो इस तरह से हमने आज भी 6-7 सेंटेंसेस बनाए। आज के सेंटेंस थोड़े लंबे थे और इसीलिए कम ही सेंटेंस बन पाए इतने समय में। तो आपको ये सारे सेंटेंस कैसे लगे, जो कि सारे नेगेटिव सेंटेंस थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारे सेंटेंस आपको कैसे लगे। मिलेंगे इसी तरह से और भी सेंटेंसेस के साथ, और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियोस, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस, स्टोरी को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके हम लोग रीडिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह की सारी वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।